आरोग्य भारती एवं विश्व आरोग्य मिशन के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला जिसका विषय है रिकॉन्फिगरिंग नेशनल हेल्थ सर्विसेज। इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर अवनीश पांडे आप सभी सम्मानित जनों का हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज जैसा कि इस कार्यक्रम का दूसरा दिन है और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार वाषण जी। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। साथ ही हमारे साथ पैनलिस्ट के रूप में डॉक्टर जयंत देव पुजारी सर हैं, चेयरमैन नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर। डॉक्टर बी एन गंगाधर, एक्स डायरेक्टर निमहांस बैंगलोर। सर आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजकुमार सर, फॉर्मर वाइस चांसलर UP UMS सैफ इटावा। आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। डॉक्टर सुरेश पाटंकर सर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं आप पुणे महाराष्ट्र से। आपका भी मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ ही डॉक्टर कुमार धावले सर, डायरेक्टर हैं आप डॉक्टर ML धावले मेमोरियल होम्योपैथिक PG इंस्टीट्यूट। आपका भी इस कार्यक्रम में मैं बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने वाले कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन प्रोफेसर GS तोमर सर, प्रेसिडेंट विश्व आयुर्वेद मिशन। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। साथ ही आरोग्य भारती काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनील बसु जी, प्रेसिडेंट आरोग्य भारती काशी प्रांत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर DP आर्या सर, सेक्रेटरी जनरल विश्व आरोग्य मिशन। और मेरे साथ डॉक्टर मीनाक्षी सिंह जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं आरोग्य भारती काशी प्रांत की। आप सभी का पूरा सहयोग रहा है इस कार्यक्रम को यहाँ तक ले आने में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। एवं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए विभिन्न प्रांतों से आरोग्य भारती के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी बंधु जुड़े हुए हैं आप सभी का स्वागत। एवं फेसबुक पे जो भी लोग इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं या बाद में भी देख रहे हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हम सभी लोग आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी का स्मरण करेंगे, उनकी वंदना करेंगे, स्तुति करेंगे। उसके पूर्व हम सभी लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर सीधे बैठ जाएंगे। नमामि धन्वंतरि मादिदेवं सुरासुरैवन्दितपादपद्मं लोके जरारुकभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां नात्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर GS तोमर सर से निवेदन करता हूँ कि कृपया स्वागत उद्बोधन और इस कार्यक्रम के विषय प्रवर्तन पर प्रकाश डालें। प्रोफेसर GS तोमर सर। ओम श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदादि मध्यमाम अश्वदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। आज के ज्ञान यज्ञ के इस दूसरे दिन जो कि आरोग्य भारती एवं विश्व आरोग्य मिशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम की मूलतः रूपरेखा के लिए डॉक्टर DC कटोच एवं हमारे मार्गदर्शक आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव, आयुष मंत्रालय के माननीय सदस्य सलाहकार समिति के डॉक्टर AK अशोक कुमार वाषणे जी भाई साहब को बहुत श्रेय देना चाहूंगा कि इस गंभीर विषय के संदर्भ में चर्चा करते समय इसका विषय जो है निर्धारण किया गया। आज के कल के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जिन्होंने अपना उद्बोधन देकर के हम लोगों को कृतार्थ किया और हमारा ज्ञानवर्धन किया, ऐसे विभूति स्वरूप हमारे भूषण पटवर्धन जी जो कि पूर्व जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं और साथ साथ में हमारे आरोग्य भारती के यशस्वी उपाध्यक्ष डॉक्टर श्री SB दंगाई साहब कल हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होकर के इन्होंने हमको अपने ज्ञानपूर्ण उद्बोधन से अभिभूत किया और साथ साथ में हमारे आरोग्य भारती के हमारे ध्वजवाहक
जो कि निश्चित रूप से जन जन में आरोग्य भारती की जो प्रेरणा है, जो संचेतना है, उसका संचार कर रहे हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर अशोक कुमार भाषणे भाई साहब, आपने हमें संबोधन दिया और साथ साथ में हमारे पूर्व जो है सलाहकार आयुर्वेद आयुष मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर डीसी कठोर साहब, जिन्होंने अपने उद्बोधन से एक बहुत अच्छी रूपरेखा और भूमिका का जो निर्वहन किया, उनका मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। आज हमारे पास विद्वान पैनलिस्ट में कुछ ऐसे पैनलिस्ट हैं जिनके बिना ये कार्यक्रम अपने आप को अधूरा रह जाता, तो मैं श्रेय देना चाहूंगा आदरणीय अशोक कुमार भाषणे जी भाई साहब को कि आपने जयंत देव पुजारी जी, जो कि आपके हमारे नेशनल कमीशन के जो है आपके चेयरमैन हैं, और एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते समय जिसके अंदर तीनों तीनों चीजें, एक रिसर्चर भी हो, एक एकेडमिशियन भी हो, और साथ साथ में एक चिकित्सक के रूप में एक अनुभव भी रखता हो, तो ऐसे व्यक्तित्व को तलाशने के साथ साथ में आपको का चयन हुआ और आपको हम लोगों ने अपने बीच में पाने के लिए प्रयास किया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर जयंत देव पुजारी जी को, जो कि अपनी इस प्रतिभा के चलते भारत सरकार की अनेक कमेटियों के आप जो है मेंबर के साथ साथ में तमाम चीजों को आप दिशा निर्देश दे चुके हैं, रिसर्च को, एकेडमी को और चिकित्सा की इस मूलधारा में, क्योंकि आप काय चिकित्सक हैं, काय चिकित्सा में आपने पीएचडी किया है, तो आपकी जो मूलधारा है वो आपकी पेशेंट ओरिएंटेड है, तो आपको मैं बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके आज के कार्यक्रम में। और दूसरे महत्वपूर्ण हमारे डॉक्टर पी एन गंगाधर साहब, जो निवामंस के पूर्व डायरेक्टर भी हैं, और निरंतर ज्ञान यज्ञ में आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो आपकी इस विभूति को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर राजकुमार जी, जो कि उत्तर प्रदेश आपकी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी सैफई के आप पूर्व वाइस चांसलर रहे हैं, एक बहुत अच्छे चिकित्सक हैं। आपके अंदर चिकित्सक के हट करके आपने भारतीय विधा की गरिमा और अस्मिता के संदर्भ में आपका जो आकर्षण है, उस आकर्षण को मैं प्रणाम करता हूं। कोरोना कालखंड में जबकि हमारे आयुष मंत्रालय का दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ था, उसके पहले ही आपने आयुर्वेदीय औषधियों का कोरोना के रोगियों में बड़ा ही प्रभाव किया, प्रभाव का आकलन किया और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया और बड़े सकारात्मक प्रभाव आपने देखे, तो आपकी इस जिजीविषा को और आयुर्वेद के प्रति, आयुष के प्रति आपके इस लगाव को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। साथ साथ में भाई सुरेश पाटलकर जी, जिनके बायोडेटा को देख करके मुझे लगा कि शायद आपके अंदर जो ज्ञान प्राप्ति की जो जिजीविषा है वो निरंतर प्रवाह कर रही है। आपने MBBS किया, MS किया, MCH किया, आयुर्वेद में आपने स्नातक डिग्री प्राप्त की और स्नातक डिग्री प्राप्त करने के साथ साथ में आयुर्वेद और योग में आप PhD भी कर रहे हैं, और एलो आयुर्वेद करके आपने एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसमें जो हम चाहते हैं कि सामंजस्य होना चाहिए विधाओं के बीच में, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होना चाहिए, हम लोग बड़े हेल्दी उसके साथ में स्प्रिट के साथ एक दूसरे से जुड़े और एक बहुत अच्छा कार्य करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि बहुत बड़ा काम हमारे जो शुरू में ही बोला गया कि न तो हम काम आये राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, काम आये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्थनाशनम, यही आयुर्वेद का मूल उद्देश्य है। हम भी यही चाहते हैं, या ये क्रिया जयंते शरीर धातवा समा सा चिकित्सा विकार नाम कर्म तद्यामतम, इसी उद्देश्य से हम लोग जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अन्य जो है पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं, कुमार धावले साहब जो कि डायरेक्टर हैं डॉक्टर ML धावले मेमोरियल हॉस्पिटल के, आप साइकेट्रिस्ट हैं लेकिन आप व्यवसाय से और मूल रूप से होम्योपैथिक की धारा से जुड़े हुए हैं, तो आपके इस चिकित्सक के स्वरूप को मैं नमन करता हूं कि आप निश्चित रूप से देश की पीड़ित मानवता के लिए समर्पित हैं, तो ऐसे व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे साथ हमारे काशी प्रांत के आरोग्य भारती के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रजीत बासु जी जुड़े हुए हैं, आप मूल रूप से एक अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के साथ साथ में एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व के धनी हैं। आपके अंदर मैंने विशेष रूप से देखा कि आप जो है एक अच्छे म्यूजिशियन भी हैं, कभी कभी जब कभी मानसिक तनाव के क्षणों में जब आपके गीत सुनता हूं तो मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूं, और साथ साथ में आप समर्पित भावना से काशी प्रांत में कार्य कर रहे हैं, निरंतर जनसेवा में लगे हुए हैं, तो मैं आपके व्यक्तित्व को भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। हमारे साथ बहन मीनाक्षी जी,
और हमारे डॉक्टर अवनीश पांडे जी जो कि कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं योग्यता के साथ 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 डॉक्टर डीपी आर्या जी जो हमारे विश्व आयुर्वेद मिशन के महासचिव हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ साथ में आरोग्य भारती के संपूर्ण भारतवर्ष से जगह जगह से जो कार्यकर्ता और हमारे सज्जन जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुरेश जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुरेश अग्रवाल जी जो कि आपके सुनील अग्रवाल जी जो आपके लखनऊ से हैं और मैं हमारे प्रांत संगठन सचिव हैं, मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज की इस मुख्य वर्कशॉप का मेन उद्देश्य कल चर्चा में आ चुका है लेकिन सूक्ष्म रूप में मैं आपके सामने जरूर बताना चाहूंगा कि हमारा मूल कारण क्या है, कि हम क्या कहना चाहते हैं कि ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज गॉट इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि हर चिकित्सा विधा की अपनी सीमाएं हैं, अपनी अच्छाइयां हैं, मेरिट्स के साथ साथ में कुछ डिमेरिट्स भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, तो हमको सामंजस्य के साथ आगे बढ़ना होगा, ये बहुत आवश्यक है। कोरोना कालखंड में ये प्रमाणित भी हुआ, हमारी आयुष की एडवाइजरी जारी की गई जिसमें आयुष की तमाम औषधियों को स्वास्थ्य मंत्री ने अपने स्तर से माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश पर इसको एक्सेप्ट किया और सब समय जारी किया कि इन औषधियों का प्रयोग आप एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड और मॉडरेट केस में कर सकते हैं, चाहे वो आयु 64 हो, चाहे किलो घनबट्टी हो, चाहे अन्य औषधियां हो। तो इन औषधियों की गुणवत्ता के संदर्भ में केवल हमारे डॉक्टर भाषण जी ने कल आपके सामने स्पष्ट किया कि आंकड़ों के द्वारा ये स्पष्ट है कि न केवल हमारे देश में बल्कि यूएसए में, यूके में, तमाम पाश्चात्य देशों में इन औषधियों आयुष काढ़े से लेकर सबका प्रयोग हुआ और लोगों ने इसकी गुणवत्ता को सराहा, तो आज गुरुची जनप्रिय हो गई है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको इन चीजों की गुणवत्ता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। साथियों, इतना बड़ा मेन फोर्स हमारे पास है आयुष का, उस आयुष के मेन फोर्स को चिकित्सा की मूलधारा में हमको उपयोग करना है, न केवल मेन फोर्स को, हमारी उस विधा की अच्छाइयों को, जो कि आप जानते हैं कि WHO के 4 डायमेंशनल गोल है, प्रिवेंशन, प्रमोशन, क्योर एंड रिहेबिलिटेशन। आयुर्वेद इज ओनली द साइंस विच कैन फुलफिल ऑल 4 डायमेंशनल गोल ऑफ WHO, अनलाइक दी अदर वेस्टर्न साइंसेज। इट हैज गॉट दी हाई पोटेंशियल फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ एज वी हैव गॉट 2 सेपरेट डिसिप्लिन बाई द नेम ऑफ द रसायन एंड बाजीकरण, दे आर टिपिकली मेन फॉर द प्रमोशन ऑफ द हेल्थ। तो ये हमको अपनी अच्छाइयों को देखते हुए आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, होम्योपैथी की अपनी जगह पर कुछ अच्छाइयां हैं, इनको हम अपने साथ में समावेश करने का कोशिश करेंगे। साथियों, न केवल इन्फेक्शन डिसीजेज में, लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीजेज के संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन पूर्व से ही मान चुका है कि आयुर्वेद कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट इन द मैनेजमेंट ऑफ द लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीजेज विद फॉलोइंग इट्स आइडियल लाइफ स्टाइल इन द फॉर्म ऑफ द दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, सद्विरत, आचार रसायन, कॉन्सेप्ट ऑफ द धारणी और धारणी वे। तो इतना बड़ा ज्ञान है, उस ज्ञान को लेकर के हम चल रहे हैं और इसका उपयोग अवश्य होना चाहिए। तो हम लोगों ने मूल रूप से ये 4-5 पॉइंट हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रत्येक विधा की स्ट्रेंथ और उसकी लिमिटेशंस को हम रेखांकित करें और पेशेंट डॉक्टर रेशियो जो पुअर है उस जो है आयुष के डॉक्टर्स को मेन स्ट्रीम में लाने के बाद आपकी वो पेशेंट डॉक्टर रेशियो भी आपका काफी ऊंचाई तक चला जाएगा, WHO के जो वांछित आंकड़े हैं उससे कहीं ऊपर चला जाएगा। साथ साथ में सुदूर ग्रामीण में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, जो चिकित्सा की व्यवस्था है, उसमें क्वालिटी में हम सुधार कर सकते हैं आयुष चिकित्सकों की भागीदारी के द्वारा, तो गुणात्मक सुधार आएगा। दूसरी, ये चिकित्सा सस्ती और सुलभ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा की उपलब्धि हम करा पाएंगे और साथ साथ में इस पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का वैलिडेशन भी होना जरूरी है, बिकॉज दिस आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज नॉट लिमिटेड बिटवीन दी फोर वॉल्स ऑफ द कंट्री, नाउ इट हैज बिकम ग्लोबल प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई देयर मस्ट बी वैलिडेशन ऑफ दिस वेरी साइंस ऑन द करंट साइंटिफिक पैरामीटर्स टू कन्विंस दी ग्लोबल कम्युनिटी। तो ये इसके बारे में प्रयास होना चाहिए और साथ साथ में विविध चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों के बीच में तालमेल और सामंजस्य की भावना, एक हारमोनी डेवलप करना, क्योंकि हारमोनी के बिना जब तक माइंड सेट आपका सही नहीं होगा तो आप एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसको हमें करने का प्रयास करना चाहिए। अंत में एक हमारा जो लक्ष्य है कि भारतवर्ष जैसे देश में हम चिकित्सा व्यवस्था की मूलधारा को इस प्रकार का गुणवत्तापूर्ण बनाएं, इस प्रकार का होलिस्टिक बनाएं कि उस होलिस्टिक चिकित्सा व्यवस्था को संपूर्ण विश्व के सामने रोल मॉडल के रूप में हम प्रस्तुत कर सकें। इस उद्देश्य से ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। हम तो ये मानते हैं, आयुर्वेद कहता है कृष्णो है लोको बुद्धिमताम आचार्य शत्रुश्च अबुद्धिमताम,
एंटायर वर्ल्ड इज द टीचर टू द इंटेलिजेंट एंड गो टू एन अनइंटेलिजेंट। तो हम तो सबकी चीज को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और सभी सिस्टम को साथ लेके चलना चाहते हैं, इसी उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी विभूतियों को प्रणाम करते हुए, मैं सबको नमन करते हुए और आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। और डॉक्टर अवनीश जी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे भाई साहब अशोक कुमार बासी जी को आमंत्रित करें, जो कल की प्रोसीडिंग को लिंक कराने का हमारे सामने कष्ट करें, जिससे कि अग्रिम बर्ताव के लिए कार्यवाही संपन्न हो सके। डॉक्टर अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अशोक कुमार वाशर्ने जी भाई साहब को, आपका एक संक्षिप्त परिचय मैं कराना चाहता हूँ। बहुत से लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में। मैं बताना चाहता हूँ कि आदरणीय भाई साहब आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। आदरणीय भाई साहब आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं एवं आपने 1979 में MSc बायोकेमिस्ट्री से पूर्ण किया AMU से। इसके पश्चात आपने 1986 में PhD बायोकेमिस्ट्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूर्ण किया। तत्पश्चात उसी विश्वविद्यालय में आपने शिक्षण कार्य भी एक वर्ष तक किया असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। इसके पश्चात आप सामाजिक कार्यों से जुड़े और 1986 में आपने सामाजिक कार्यों के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ करते हुए RSS प्रचारक के रूप में आपने इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर में अपनी सेवाएँ दी। 15 वर्षों तक आप प्रांत प्रचारक के रूप में कार्य किए, जिसमें 10 वर्ष आपने झारखंड एवं 5 वर्ष आपने कानपुर प्रांत में अपनी सेवाएं दी। वर्ष 2012 से भाई साहब आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव के रूप में हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं एवं वर्तमान में आप आयुष मंत्रालय के एडवाइजरी बोर्ड के आप मेंबर भी हैं। मैं भाई साहब का सदर भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ कि अपने उद्बोधन से एवं कल जो कार्यक्रम हुआ था प्रथम दिन के, उस पर अपने विचार रखें। आदरणीय भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। धन्यवाद डॉक्टर अवनीश जी। मैं सभी का नाम तो नहीं लूंगा, समय कम करने की दृष्टि से ऐसे इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानीय बंधु भगिनीगण, और मैं देख रहा हूं पूरे देश भर से लगभग 10 प्रांतों से कार्यकर्ता जुड़े हैं और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी लगभग 10 कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहे हैं इसमें, और इसलिए यह एक ऐसा राष्ट्रीय वेबिनार है जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं या सुन रहे हैं। कल जैसा कि अभी बताया हमारे डॉक्टर GS तोमर जी ने कि कल डॉक्टर भूषण पटवर्धन जी, डॉक्टर SB डंगाई जी जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, डॉक्टर DC कटोच जी और मेरा, हम चार लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए थे। कुछ बिंदु तो आ गए हैं, कुछ बिंदुओं की और मैं चर्चा करता हूं कि स्वास्थ्य का मतलब केवल मेडिकेयर नहीं है, हेल्थ केयर भी है। और डॉक्टर भूषण जी ने बहुत स्पष्ट बोला भी था कि जब हम प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन बोलते हैं तो प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन को हम मेडिकेयर में डिफाइन नहीं कर सकते, हेल्थ केयर में डिफाइन कर सकते। एक डॉक्टर के लिए भी कुछ चीजें हैं प्राइमरी हेल्थ केयर से जुड़ी हुई, फैमिली हेल्थ केयर से जुड़ी हुई, डायग्नोसिस से जुड़ी हुई, पब्लिक हेल्थ से जुड़ी हुई, यह चीजें भी कैरिकुलम में हो, ऐसी भी एक जानकारी कल। कोई भी रिफॉर्म होंगे तो हमको मेडिकल एजुकेशन से ही उसको प्रारंभ करना पड़ेगा, और इसीलिए उनका आग्रह था कि एजुकेशन सिस्टम में के पार्ट बनने चाहिए सारी चीजें, और इसलिए उनका बहुत बड़ा आग्रह। डॉक्टर्स पेशेंट रेशियो के बारे में लगभग सभी ने बोला था और आज भी वह विषय है, डॉक्टर्स पेशेंट रेशियो बढ़ाना है तो आयुष डॉक्टर्स को हम जब जोड़ेंगे यह संख्या हमारी पर्याप्त अच्छी हो जाएगी, जिसके कारण से कि हम विलेज लेवल पर, ग्रामीण स्तर पर एक क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज देने के लिए सक्षम हो सकेंगे। बजट का विषय भी कल आया था कि आयुष सेक्शंस के लिए मात्र 2% का बजट है, यह उचित नहीं, बढ़ना चाहिए। जब हम क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटीज देना चाहते हैं तो हमको आयुष को मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। मेन स्ट्रीम में लाने के लिए थोड़ा बजट भी बढ़ाना पड़ेगा और बजट के साथ साथ और कुछ काम भी करने पड़ेंगे कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ से जुड़े हुए हैं, तभी इसका पूरा लाभ अपने को मिल सकेगा। एक विषय रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में भी चर्चा हुई थी। केवल मॉलिकुलर बेसिस पर
रिसर्च करना ही पर्याप्त नहीं है। सदव्रत से जुड़ी हुई या परंपरा से चली आई चीजें जो शायद मॉलिकुलर बेसिस पर डिफाइन नहीं हो सकते, तो वे उनके लिए कैसे हम चर्चा करेंगे? एविडेंस बेस्ड कैसे कहलाएगा? क्या करना क्या नहीं करना, इसके बारे में भी एक विषय चर्चा में एक विषय आया था। एक जानकारी और आई थी हमारे डॉक्टर कटोच जी ने दी थी कि सरकार की इतनी सारी स्कीम्स चलती हैं, उसमें आयुष सेक्शन से जुड़े हुए जो डॉक्टर्स हैं उनकी उनकी सहभागिता बहुत कम है। अगर उनकी सहभागिता उसमें जोड़ दी जाए तो हमारे मैन पावर भी अधिक हो जाएगी और सर्विसेज का परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाएगा, और इसके लिए उन्होंने बजट का प्रावधान भी रखा, उसके लिए बजट का प्रावधान भी पर्याप्त होना चाहिए। एक इंश्योरेंस डिलीवरी का विषय भी कल उन्होंने निकाला था, तो बहुत ही अच्छा एक विषय था। आयुष का रोल जैसे जैसे बढ़ेगा, सहभागिता बढ़ेगी, तो हम अच्छी हेल्थ सर्विसेज को दे पाएंगे। ऐसे और कुछ विषय के साथ और एक दो बिंदु आए थे कि सबको एग्जीक्यूट करने के लिए एक्सेप्टिंग माइंड चाहिए, स्वीकार मनोवृत्ति रहेगी तभी हम इन सबको ठीक से आगे बढ़ा सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस भी चाहिए कि किस डॉक्टर के पास जाना नहीं जाना, कौन किसके लिए उपयोगी है, थोड़ा पब्लिकली भी अवेयरनेस चाहिए। एक विषय और आया था, बहुत दिनों से चर्चा है कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं वैसे ही मेडिकल सर्विसेज होनी चाहिए। एक सुझाव आया कि मेडिकल सर्विसेज के स्थान पर अगर उनका हेल्थ सर्विसेज की चर्चा करें और उनके लिए नॉर्म्स स्थापित करें तो हम एक क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी दे पाएंगे। पब्लिक हेल्थ के बारे में अवश्य चर्चा हुई थी कि पब्लिक हेल्थ, इसको हम जितना बल प्रदान करेंगे उतना ही हमारा पेशेंट लोड कम होगा, मेडिकल वर्डन कम होगा, और इसलिए पब्लिक हेल्थ को हम कैसे अधिकाधिक बढ़ा सकते हैं, ऐसे कुछ विषय कल चर्चा में आए थे। आगे आज हम सब सुनेंगे अपने विद्वान वक्ताओं से। मुझे लगता है मुझे इतना ही समय बोलना चाहिए। भारत माता की जय। अवनीश जी, जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर मूर्ति जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्रोफेसर हैं कई चिकित्सा विभाग में, कि वो हमारे मुख्य आज के मेन पैनलिस्ट हमारे जो देव पुजारी साहब हैं उनका संक्षिप्त परिचय दें और उनको आमंत्रित करें इस कार्यक्रम में उद्बोधन के लिए। डॉक्टर मूर्ति फ्रॉम बीएचयू। मैं आड़गुल। यस यस, सभी को नमस्कार। परमादरणीय गुरु जी जी एस तोमर सर को और आरोग्य भारती का और विश्व आयुर्वेद मिशन का सभी को नमस्कार करते हुए आज की मुख्य वक्ता को मैं डॉक्टर मूर्ति वैद्य जयंत देव पुजारी जी का संक्षिप्त बायोडेटा, उनका बायोडेटा का परिचय का देके उनके परिचय कराना चाहता हूं। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, बट ज्यादा बोलने से समय ज्यादा हो जाएगा, फिर भी मैं कुछ बोलूंगा। वैद्य जयंत देव पुजारी जी बॉर्न ऑन 1 February 1960। ही हैज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन दैट इज आयुर्वेदाचार्य BAMS फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी एंड PhD वैद्य विद्या वाचस्पति इन दी काय चिकित्सा सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। प्रेजेंटली वैद्य जयंत पुजारी जी इज द प्रेसिडेंट ऑफ CCIM मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। ही इज द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फ्रॉम द महाराष्ट्र। ही इज द चेयरमैन ऑफ द टेक्स्ट बुक कमिटी सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ही इज द रिकॉग्नाइज्ड गुरु ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ही इज द मेंबर ऑफ आयुर्वेदा कमिटी CCIM। Is the consulting Ayurvedic physician and Panchakarma expert in the Srinidhi Ayurveda Chikitsalay from where he is practicing Nagpur. He is the research committee member of CCIM Nagpur, Central Indian
Central India Institute of Medical Sciences Research Committee member, Nagpur. Also chairman for the Institutional Ethics Committee in the Central India Institute of Medical Sciences, Nagpur. He is the medical expert in as an Ayurvedic physician on the panel of State Bank of India. He is the director, research and development of Shiv Herbal Research Laboratory, Nagpur. He is the member of board of research of the Sant Gadgeba Amaravati University, and he is the board of studies member in yoga and alternative therapies of Kavikul Guru Kalida Sanskrit Vishwavidyalaya. He is the faculty member of Indian religion, philosophy, culture, Kavikul Guru Kalida Sanskrit University. He is the academic council member of Datta Meghe Institute of Medical Sciences, Deemed University, Wardha. He is the member of scientific advisory group, clinical research of the CCIM Newton's Central Council of Research in Ayurvedic Sciences, CCRAS, New Delhi. He is the research committee member of the Regional Research Laboratory in Nagpur of CCRAS, New Delhi. He is the referee of different Ayurvedic journals. He has very good career highlights. He worked as an expert on the WHO, World Health Organization Experts Consultation Meeting, for developing the World Health Organization documents regarding the benchmarks of practice in Ayurveda, Panchakarma, and updating the Ayurveda training document, which is published in 2019. Then he is the co-chair of the Asia Pacific Quality Register Review Panel for Eurasian Center for the Accreditation, Quality Assurance and Higher Education Healthcare, Kazakhstan, November 2019. He has a clinical experience, more than 35 years of clinical experience. Ayurvedic drug industry research and development expert. He is the consultant for the past 25 years, and more than 50 products are come out through because of his research and development skill. He is recognized the PhD guide in the Tilak Maharashtra Vidyapeeth Pune. Also, he is the PhD guide at Kalidas Sanskrit University. And he has many contributions, like state coordinator of Marathi Encyclopedia, which is published by the government of Maharashtra. He is the member of the Prime Minister International Yoga Award Committee in 2019. He is the member committee for the establishing the Ayush University in Maharashtra, which is very important organization, academic organization from the government of Maharashtra in 2016. He is the member of Program Advisory Committee of Yashwantrao Chauhan Bogan University, Nasik. He is the standing committee member of Mahatma Gandhi Institute of Rural Industrialization, Wardha. He is the research consultant of National Environmental Research Institute, Nagpur. And he is having a patent of the water purification through herbs. That is also there in his credit. He is the member of different committees of the Kalidas Sanskrit University. He is the technical advisor of Bharatiya Adim Jati Sevak Sangh, Nagpur. He is the organizing committee member for the Swadeshi Arugya Mela, which is held in 2002 in New Delhi. He is a contributory lecturer in anatomy, physiology, and he is a contributory lecturer of diploma in yoga and naturopathy in Sri Ayurved Mahavidyalaya, Nagpur. And he is also All India Vice President. He was also All India Vice President of Ayurved Vyasapit. He has received the gold medal for his PhD thesis, and he is having Lokmanya Ayurveda Ratna Puraskar in 2020 from Tilak Maharashtra Vidyapeeth Pune. He is having Dhanvantri Sanman on Dhanvantri Jayanti of 2013 from Arogya Bharati, Nagpur. He is having Dhanvantri Sanman. Okay, anyway, main aapko Avneesh ji, आपको मूल रूप से आपने भूल गए, आप इस समय सीसीआईएम के आपके एडवाइजर, आपके जो कमेटी है उसके कमीशन वो हो गया है। हेलो, हाँ सर आवाज आ रही है। हाँ सर बोलिए सर, आवाज आ रही है। नेशनल एडवाइजर ही आप सीसीआईएम से, आप हमारी जो काउंसिल है जो हमारी इंडियन मेडिसिन का, उसके आप इस समय चेयरमैन है, और मैं आपका बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अधिक समय न लेते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर जैन देव पुजारी जी को कि वो आए और अपने उद्बोधन से अपने विषय वस्तु को स्पष्ट करने का कष्ट करें। डॉक्टर जैन देव पुजारी जी, आप आमंत्रित हैं।
बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ आपके महत्वपूर्ण उद्बोधन के लिए। वैद्य जयंतदेव पुजारी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आशा है मैं अच्छी तरह से आपको मेरी आवाज पहुंच रही होगी। जी, यहाँ पर उपस्थित परमादरणीय डॉक्टर अशोक द्विवार्ष्णेय जी, डॉक्टर तोमर जी, डॉक्टर गंगाधर जी, इस सत्र के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर अवनीश पांडे जी, काशी प्रांत के आरोग्य भारती के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनी बासु जी, मेरे मित्र और पुराने सहकारी डॉक्टर राजेश सुरेश पाटणकर जी और अन्य सभी आरोग्य भारती के और विश्व आयुर्वेद मिशन के कार्यकर्ता, सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सर्वप्रथम आयोजकों का अभिनंदन करना चाहता हूं, विशेष रूप से आरोग्य भारती और विश्व आयुर्वेद मिशन का, कि उन्होंने अभी आवश्यकता अनुसार ये 2 दिन का जो जो कार्यशाला आयोजित की है और सभी अच्छे वक्ताओं को, बड़े वक्ताओं को यहाँ बुलाकर उनके भी विचार हम सुन रहे हैं, वह काफी अभिनंदनीय है और समयोचित भी है। सर्वप्रथम मैं 2-3 चीजों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा जो विषय है ये रिकॉन्फिगरिंग नेशनल हेल्थ सर्विसेज, इस प्रकार का है। अब ये रिकॉन्फिगरिंग, ये जो शब्द है, ये विशेष रूप से कंप्यूटर साइंस का शब्द है और ये कंप्यूटर साइंस में सर्वप्रथम इस्तेमाल किया गया है। अब इसका जो अर्थ है कंप्यूटर साइंस में भी और अन्य रूप से भी, वो ऐसा है कि टू रीअरेंज द एलिमेंट्स और सेटिंग्स ऑफ ए सिस्टम। अब ये सिस्टम जो है, ये हम भारत के हेल्थ सिस्टम की बात करते हैं, भारत के स्वास्थ्य संरचना की बात करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि भारत की आज की स्वास्थ्य संरचना कैसी है, तो एक तो सरकार के आधारित संरचना है और सरकारी अस्पताल है और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर्स है, मेडिकल कॉलेजेस है, बाकी अन्य पैथिक के भी है, गवर्नमेंट के कॉलेजेस है, इस प्रकार की एक संरचना सरकार की। इसके साथ साथ ये रिकॉन्फिगरिंग करते समय हम लोगों ने और एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इसके बराबर, इसके पैरेलल एक निजी चिकित्सकों की भी एक संरचना हमारे देश में अस्तित्व में है और जिसको बिना भूले हम लोग इसमें आगे जा नहीं सकते, क्योंकि हम जब इंटीग्रेटिव मेडिसिन का जब जब विचार करते हैं, तब इंटीग्रेटिव मेडिसिन का विचार करते समय ये जो कंपोनेंट है इसको भी हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब इसमें समय के अनुसार ये निजी चिकित्सा का जो संरचना है उसमें समय के अनुसार बदलाव आते जाता है। पहले तो सिर्फ निजी चिकित्सक, जिसको स्टैंड अलोन बोलते हैं, इस प्रकार के प्रैक्टिशनर्स थे। अब उनमें से कुछ लोग सिर्फ ओपीडी चलाते थे, कुछ लोगों के अस्पताल थे। अभी कुछ सालों से उसमें कारपोरेट जगत उतरा है और हमको पूरे देश में कारपोरेट हॉस्पिटल सभी विषयों के, एलोपैथी के भी और आयुर्वेद के भी कारपोरेट हॉस्पिटल हमको धीरे धीरे दिखने लगे हैं। अब इसके साथ साथ कारपोरेट हॉस्पिटल आए, इसका मतलब हमारा जो छोटा निजी व्यावसायिक था, चिकित्सा व्यावसायिक, वो खत्म हुआ, ऐसी बात नहीं है, वो अपनी जगह पर। अब इसमें और एक फर्क हमको ध्यान में रखना चाहिए, वो इस प्रकार का है कि ग्रामीण और शहरी, ये जो इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन हमारे देश में हमेशा हर चीज में होता है, तो वो ग्रामीण भारत और ये शहरी भारत, इस प्रकार का क्लासिफिकेशन, ये जो मेडिकल संरचना है हमारी, स्वास्थ्य की संरचना है, उसमें भी काफी हावी और प्रभावी होता है। हम लोग ये देखते हैं कि जितनी भी उच्च स्तर की सुविधाएं, उच्च स्तर की टेक्नोलॉजी इस दृष्टि से, वह चाहे आयुर्वेद की हो, चाहे एलोपैथी की हो, चाहे होम्योपैथी की हो, मुख्य रूप से शहरी भाग में, अर्बन इंडिया में ज्यादा दिखती है, और जैसे जैसे हम रूरल इंडिया में अंदर अंदर जाते रहते हैं, ये जो फैसिलिटीज है ये धीरे धीरे कम होती है, सरकार की भी कम होती है और निजी व्यवसाय की भी, व्यावसायिकों की भी कम होते जाती है। अब इस संरचना का एक बहुत बड़ा तीसरा कंपोनेंट है जो हमेशा विचार करते समय हम लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए, वो है हमारा यहाँ का समाज। हम लोग 2-3 शब्दों का उपयोग बहुतायत से करते हैं। एक तो इंटीग्रेटिव मेडिसिन होना चाहिए, ये सबकी चर्चा है, नीति आयोग से लेकर सभी
हमारे डॉक्टर बी एन गंगाधरन जी ने इसका एक आइडियल मॉडल हिमांश में पहले से चला के रखा है और इसके बारे में सब लोग जानते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन वहां पर इंटीग्रेटिव मेडिसिन का एक सेंटर ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से और पूरे स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं सरकारी परिभाषा में उस स्ट्रक्चर के साथ चल रहे हैं। ऐसे और कई देश में इंटीग्रेटिव मेडिसिन के जो मॉडल्स हैं वो अलग अलग जगह पे हमको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ हम लोग दूसरे शब्द का उपयोग करते हैं वो है मेडिकल प्लूरालिज्म। ये मेडिकल प्लूरालिज्म जो शब्द है वहां विशेष रूप से जिन देशों में एक से ज्यादा चिकित्सा पद्धतियां उपलब्ध होती है जनता के लिए और जनता उसका इस्तेमाल करती है, हमारा समाज उसका इस्तेमाल करता है, वहां उसको मेडिकल प्लूरालिज्म बोलते हैं। अब हमारे देश के समाज